हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं सुनील टैक्टिक। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस के साथ बताया हुआ है कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और अपना वोटर आईडी कार्ड किस तरह ट्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में ये वेबसाइट ओपन करना है। ये वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है वोटर सर्विस पोर्टल का, जो आप देख सकते हैं nvsp.in नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। ये पोर्टल ओपन करने के लिए आप दिए गए डिस्क्रिप्शन से भी ओपन कर सकते हैं या अपने क्रोम ब्राउज़र में भी इस पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद ही आप इस पोर्टल को यूज़ कर पाएंगे। लॉगिन करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले आप देख सकते हैं कि इस पोर्टल द्वारा आप वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड सारे काम इस पोर्टल से कर सकते हैं। चाहे वो आप अपना वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करवाना हो या माइग्रेशन टू अनदर एसी में करवाना हो, तो आप इजीली कर सकते हैं। और आपको जितने भी फॉर्म होंगे वोटर आईडी कार्ड से रिलेटेड, वो आप सारे फॉर्म इस वेबसाइट से भर सकते हैं और अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं और अपना BLO इलेक्टोरल ऑफिस डिटेल्स की जानकारी भी आप यहां से ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक करना है, ताकि आप लॉगिन और रजिस्टर कर पाए इस वेबसाइट को यूज़ करने के लिए। तो लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जो आप देख सकते हैं लॉगिन का पेज है। लॉगिन करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है, और अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो आप डू नॉट हैव अकाउंट रजिस्टर ए न्यू यूज़र पे क्लिक कर सकते हैं, जो ग्रीन कलर का वर्ड है। क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज को आपको फिल करना होगा, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करने के लिए मोबाइल नंबर टाइप करना है, उसके बाद कैप्चर कोड टाइप करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे OTP आ जाएगा, उस OTP को टाइप कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास EPIC नंबर है या नहीं। अगर है तो आप EPIC नंबर टाइप कर सकते हैं, चाहे आपका हो या आपके परिवार में किसी एक का, और नहीं है तो आप EPIC नंबर पे देख सकते हैं आई डू नॉट हैव EPIC नंबर। क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ ईमेल ID और पासवर्ड टाइप करने होते हैं। पासवर्ड टाइप करने के बाद ही आप रजिस्टर कर पाएंगे। तो ईमेल आईडी टाइप करने के बाद आपको पासवर्ड टाइप करने होते हैं। पासवर्ड टाइप करने के फॉर्मेट आपको नीचे दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। आपके पासवर्ड 6 कैरेक्टर के होने चाहिए और आपके पासवर्ड में एक डिजिट होना चाहिए, जो कि 0 से लेकर 9 तक है नंबर है। उसके बाद आपके पासवर्ड में कोई स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, जैसे कि स्टार, हैज, हैशटैग, ऐसे कोई स्पेशल कैरेक्टर आपके पासवर्ड में मौजूद होना चाहिए, और आपके पासवर्ड में एटलीस्ट एक कैपिटल वर्ड भी मौजूद होना चाहिए, तभी आपके पासवर्ड कंफर्म हो पाएगा। उसके बाद आप इजीली रजिस्टर कर पाएंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा, जो यूजर नेम आपने दिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी या EPIC नंबर, इन तीनों में से किसी एक को टाइप करने के बाद पासवर्ड टाइप कर कैप्चर कोड टाइप करने के बाद आप लॉगिन हो पाएंगे। मैंने लॉगिन कर लिया है, उसके बाद मैं ये वेबसाइट को यूज़ कर सकता हूँ। अब मैं वोटर सर्विस का कोई भी सर्विस यूज़ कर सकता हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रोल वेरिफिकेशन प्रोग्राम करना हो या इलेक्ट्रोल रोल सर्च करना हो, वो मैं कर सकता हूँ। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कई सारे फॉर्म ओपन हो जाएंगे। आपको वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के लिए फॉर्म 6 पे क्लिक करना होगा, जो आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे देख सकते हैं, इंक्लूसिव ऑफ नेम फॉर रेसिडेंट इलेक्ट्रोल। और अगर आप अपना नेम ओवरसी इलेक्ट्रोल में ऐड करना चाहते हैं तो फॉर्म 6A पे क्लिक करना होगा। अदरवाइज आपको कोई वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करवाना हो तो आप अदर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको फॉर्म 6 पे क्लिक करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, तभी आपका वोटर आईडी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल सबमिट हो पाएगा। तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट लैंग्वेज मिल जाएगा कि आप किस लैंग्वेज में ये फॉर्म फिल करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको राज्य चूज करना होगा, उसके बाद जिला चूज करना होगा। जिस पॉइंट में स्टार लगा हो उस पॉइंट को आपको मैंडेटरी है, उस पॉइंट को आपको फिल करना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं। इन दोनों को चूज करने के बाद आप विधानसभा भी चूज कर पाएंगे। चूज करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि मतदान के रूप में पहली बार आप अप्लाई कर रहे हैं,
या किसी अन्य सेवा क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप चूज कर लेते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में पहली बार मतदान के रूप में अप्लाई करने वाले हैं, तो इसलिए पहला वाला ही क्लिक करके छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको अपना नाम टाइप करना होगा जिनका वोटर आईडी कार्ड आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद हिंदी ऑटोमेटिक इन रीजनेबल में आ जाएगा। उसके बाद आपको उपनाम टाइप करना होगा और हिंदी ऑटोमेटिक नीचे टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपको आवेदन के नातेदार का नाम लिखना है, मतलब कि आवेदक के पिता, माता, पति या अन्य किसी का नाम लिखने के बाद आपको बताना है कि वह रिलेशन में क्या लगते हैं, जैसे कि फादर, मदर, हस्बैंड या अदर्स। जिनका नाम आपने टाइप किया है नातेदार में उनका रिलेशन आप चूज कर ले। चूज करने के बाद आपको आयु लिखना होगा कि कितने वर्ष के आप हो चुके हैं। तो आपको सबसे पहले आप इस फॉर्मेट में आयु लिखना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट में दे सकते हैं। अदरवाइज आपको जन्म की तारीख के हिसाब से आपको दिन, मास, वर्ष के रूप में भी आप अपना जन्म तिथि दे सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आवेदक का लिंग चूज करना होगा। चूज करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करते हुए जाएं। उसके बाद आपको वर्तमान पता, जहाँ पे आप पहले निवासी थे, उसका पता आप दे सकते हैं। तो पुराने पते को आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, जैसे कि गृह संख्या, गली, स्थान, जो आपको स्टार लगे हैं उसे फिल करना अनिवार्य है। तो सही तरीके से फिल कर ले। और उसके बाद आपको नीचे मिल जाएगा शहर या ग्राम। अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर का नाम लिखिए या ग्राम का नाम लिख दीजिए। उसके बाद आपको डाकघर का भी नाम लिखना होगा। उसके बाद आपको पिन कोड टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद आपसे नीचे पूछा जा रहा है कि आपकी स्थायी पता कौन सी है। अगर ऊपर दिए गए एड्रेस आपका सेम लोकेशन है तो आप उपयुक्त में सम्मान पे टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आप कितने जो भी लोकेशन के नेम ऊपर टाइप किए होंगे वो सारे नीचे आपका ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है और अगर आपका लोकेशन अदर है तो आप अपना लोकेशन टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको फैमिली या नेबर इपिक नंबर टाइप करने होंगे। अगर आपके परिवार में किसी और का वोटर आईडी कार्ड मौजूद है तो आप उसका इपिक आईडी टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे नीचे पूछा जाएगा विकलांगीय विशिष्टीय। अगर आप विकलांग हैं या जिनका आप फॉर्म भर रहे हैं अगर वो विकलांग है तो इनमें से किसी एक पर आप टिक कर दीजिए, अदरवाइज अन्य में आप लिख सकते हैं। और अगर आप कोई भी विकलांग नहीं है तो आप इस पेज को खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको ईमेल आईडी लिखना होगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। इसी मोबाइल नंबर पे आपका रेफरेंस आईडी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो कि JPG, PNG, PMG और JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए और मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए। तो इसी फॉर्मेट में आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपको अपना फ़ोटो अपलोड करने हैं। जो फ़ोटो आप अपलोड करेंगे वही फ़ोटो आपके वोटर आईडी कार्ड में छप कर आएगा, इसलिए सही तरीके से अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड कर दें। उसके बाद आपको आयु प्रमाण देना होगा कि आपने जो एज टाइप किया था वो किसी अन्य डॉक्यूमेंट में मौजूद है या नहीं। तो उसके लिए आपको दस्तावेज के प्रकार पे आप क्लिक करके जिन डॉक्यूमेंट में आपका डेट सेम है उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप किन किन डॉक्यूमेंट का यूज कर अपना आयु प्रमाण दे सकते हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या आधार कार्ड। इनमें से किसी एक को टिक कर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे। उसके बाद आपको पता प्रमाण देना होगा। उसी तरह आपको इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दीजिए। डॉक्यूमेंट का मैक्सिमम साइज 2 MB का ही होना चाहिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करने के बाद घोषणा में अपना शहर या ग्राम का नाम लिख लीजिए। उसके बाद आपको दोबारा राज्य और जिला चूज करना होगा। चूज करने के बाद आपको दिनांक लिखना है कि किस डेट से आप इस दिए गए लोकेशन में रह रहे हैं। कम से कम 3 साल होना चाहिए, उसके हिसाब से आप अपना डेट टाइप कर दीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अपना स्थान टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद आप नीचे दिनांक देख सकते हैं कि किस डेट को आप ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है।
उसके बाद फाइनल में आपको कैप्चर कोड टाइप करना होगा। कैप्चर कोड टाइप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, जो ब्लैक बटन का है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे रेफरेंस आईडी सेंड हो जाएगा। उस रेफरेंस आईडी को आप ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर आप अपना दिए गए रेफरेंस आईडी को यहाँ पे टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर दीजिए। जब क्लिक कर देंगे तो आपका स्टेटस शो हो जाएगा कि अभी तक आपका स्टेटस कंप्लीट हुआ या नहीं। अगर कंप्लीट हो गया हो तो आपके दिए गए लोकेशन में आपका वोटर आईडी कार्ड आ जाए।